नमस्ते बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो पिछले क्लास में हमने देखा कि हमारे अधूरा घड़ा जो है हमारे भिष्टी से क्षमा मांग रहा था, है ना। क्षमा मांगना मतलब अपोलोजी करना, है ना। क्षमा मांग रहा था, क्यों क्षमा मांग रहा था, क्योंकि वो अधूरा है। उसके अंदर जितना पानी होल्ड कर कर रखना चाहिए उतना पानी वो होल्ड नहीं कर पा रहा है, है ना। इसलिए वो अपोलोजी कर रहा है। किससे अपोलोजी कर रहा है? अपने भिष्टी से। तो बच्चों देखते हैं आगे क्या है। तो जैसे ही हमारे भिष्टी से उसने अपोलोजी किया, क्षमा मांगा, कैसे क्षमा मांगा, देखो, नम्रता पूर्वक टूटे हुए घड़े ने भिष्टी से क्षमा मांगा था, है ना। बहुत ही विनयता से, नम्रता से, हम्बलफुली, पोलाइटली ही अपोलोजाइज, है ना। अब देखते हैं भिष्टी क्या कहता है। टेक्स्ट बुक निकालिए, पेज नंबर 2, लास्ट पैराग्राफ। तब भिष्टी टूटे हुए घड़े से बोला, क्या तुमने ध्यान दिया कि रास्ते में वे सुंदर फूल केवल तुम्हारी तरफ वाले रास्ते पर ही खिले हुए थे। तो क्या है, भिष्टी ने उनसे एक कार्य करने के लिए कहा था, है ना। क्या करने के लिए कहा था? हाँ, वेरी गुड। रोड साइड्स में देखना, क्या देखना है, बहुत सारे रंग बिरंगे कलरफुल फूल्स खिले हुए हैं, है ना, फ्लावर्स खिले हुए हैं, ब्लूम्ड है। तो और देखना, और फिर तब भिष्टी पूछ रहा है कि क्या तुमने ध्यान दिया, डिड यू नोटिस दैट द फ्लावर्स, द ब्यूटिफुल फ्लावर्स वेर ब्लूम्ड ओनली ऑन योर साइड। कहाँ पर खिला हुआ है? केवल तुम्हारी साइड में, तुम कहाँ पर लटके हुए हैं, केवल वहीं पर वो ब्यूटीफुल फ्लावर्स खिले हुए हैं। क्या तुमने ध्यान दिया कि रास्ते में वह सुंदर फूल केवल तुम्हारी तरफ वाले रास्ते पर ही खिले हुए थे? तो मैं तुम्हारी इस कमजोरी के बारे में जानता था, भिष्टी आगे कह रहा है, शी ही सेइंग, मैं तुम्हारी इस कमज़ोरी के बारे में जानता था, आई न्यू अबाउट योर दिस वीकनेस। एंड मैंने क्या किया, मैंने इसका फ़ायदा उठाया। फ़ायदा उठाना मतलब आई टुक द एडवांटेज ऑफ इट, तुम्हारी इस कमज़ोरी का फ़ायदा मैंने उठा लिया। मैंने फूलों के बीज केवल तुम्हारी तरफ ही बोए थे। बीज मतलब सीड, बोना मतलब सॉर्ट। मैंने सीड कहाँ पर सॉर्ट किया था? केवल तुम्हारी तरफ, जहाँ पर, जहाँ से तुम जाते हैं, जब तुम वहाँ से गुजरते हैं, वहाँ से जाते हैं, तो क्या होता है, पानी टप 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 करके नीचे गिरता है ना, लीक होता है। तो वहीं पर ही मैंने सीड बोए थे, है ना। और हर सुबह जब हम इस रास्ते से गुजरते तो तुम इन पौधों को पानी देते थे। वैसे भी तुम्हारी मटके से पानी निकल जाता है ना। तो इन पौधों को पानी देने का काम कौन करता है? हु वाटरिंग द प्लांट्स? यू आर वाटरिंग द प्लांट्स। तो तुम इन पौधों को पानी देते थे कितने समय से? 2 सालों से। पिछले 2 सालों से यही फूल मालिक के घर की शोभा बढ़ा रहा था। तो क्या है, For the past two years, these flowers are beautifying our owner's house. हमारे मालिक के घर की शोभा कौन बढ़ा रहा है? ये फ्लावर्स बढ़ा रहा है। और इन फ्लावर्स को पानी कौन दे रहा है? तुम पानी कौन दे रहे थे, है ना? तुम जैसे भी हो, आगे हमारा भिष्टी कह रहा है, तुम जैसे भी हो बहुत काम के हो। अगर तुम ना होते तो मालिक का घर इन सुंदर फूलों से सुसज्जित ना होता। देखा, तो भिष्टी उनकी कमज़ोरी को कैसे पॉजिटिव साइड में देख रहा है, है ना। वो मटका तो वैसा भी टूटा हुआ है, लेकिन भिष्टी ने उस टूटे मटके के अंदर पॉजिटिव एनर्जी डालने का प्रयास कर रहा है और उनके पॉजिटिव साइड को देखकर उसका फ़ायदा उठाया, उसका एडवांटेज लिया, है ना। तो देखिए, तब भिष्टी टूटे हुए घड़े से बोला, भिष्टी ने टूटे हुए घड़े से बोला, क्या बोला, व्हाट ही सेड, क्या तुमने ध्यान दिया कि रास्ते में वह सुंदर फूल
केवल तुम्हारी तरफ वाले रास्ते पर ही खिले हुए थे, केवल तुम्हारी तरफ वाले ओनली इन योर साइड खिले हुए थे। मैं तुम्हारी इस कमज़ोरी के बारे में जानता था, आई न्यू अबाउट योर दिस वीकनेस, एंड मैंने इसका फ़ायदा उठाया, आई टुक द एडवांटेज। मैंने फूलों के बीज केवल तुम्हारी तरफ ही बोए थे, और हर सुबह जब हम इस रास्ते से गुजरते तो तुम इन पौधों को पानी देते थे। तो जैसे हम रास्ते से चले जाते, गुजरना मतलब चले जाना, तो जैसे हम जाते हैं तो तुम वह टूटा हुआ घड़ा इन पौधों को पानी देता है। पिछले 2 सालों से यही फूल मालिक के घर की शोभा बढ़ा रहा है। शोभा बढ़ाना मतलब ब्यूटिफाइंग द हाउस। किसके हाउस की शोभा बढ़ा रहा है? मालिक के घर की शोभा बढ़ा रहे हैं। तुम जैसे भी हो बहुत काम के हो, अगर तुम ना होते तो मालिक का घर इतना सुंदर फूलों से, इन सुंदर फूलों से सुसज्जित ना होता। अब सुसज्जित शब्द का अर्थ है फर्निश्ड, अच्छी तरह से सजाया हुआ। सुसज्जित मतलब अच्छी तरह सजाया हुआ, यानी फर्निश्ड। तो आगे देखते हैं, तो यह है हमारी कहानी, है ना। तो कहानी में हमने देखा कि 2 पात्र हैं, एक टूटा हुआ घड़ा है और एक साबुत घड़ा है। और साबुत घड़े को अपने आप पर घमंड है। क्यों घमंड था? पिछले क्लास में देखा था। क्यों घमंड है उसे? क्योंकि वो बहुत सुंदर है और काम में भी वह पूरा आता है। प्रश्न का उत्तर हमने लिखा है ना, काम में भी पूरा आता है ना। और टूटे हुए घड़े को शर्म है। क्यों शर्माते थे वो? क्योंकि वो अधूरा है, इसलिए वो शर्माते थे। और हमारे भिष्टी ने क्या किया टूटे हुए घड़े के साथ? भिष्टी ने क्या किया? भिष्टी ने टूटे हुए घड़े का फ़ायदा उठाया, है ना। कैसे फ़ायदा उठाया? उसने केवल वो सीड बोए थे, बीज केवल टूटे हुए घड़े की तरफ ही सीड बोया, और सीड बोकर क्या किया? फूल खिले। तो फूल खिलाकर अपने मालिक के घर की शोभा बढ़ाया। तो हमारे बिश्ती ने कैसे फ़ायदा उठाया? टूटे हुए घड़े के तरफ सीड बोकर उससे पानी लेकर उन पौधों को बड़ा किया, है ना। तो बिश्ती ने अच्छा काम किया था ना। अब हम देखते हैं इस कहानी का मॉरल क्या है। ओके, तो लास्ट पैराग्राफ देखिए क्या लिखा है। सभी में कुछ कमियां और अच्छाइयां होती हैं, है ना। हम में भी कमियां हैं, हम में भी अच्छाइयां हैं। तो एवरीवन हैज हिज ओन फॉल्स एंड स्ट्रेंथनेस, है ना। सबको अपनी अपनी कमियां हैं और कमजोरियां हैं और अच्छाइयां भी हैं। हम सब उस टूटे अधूरे घड़े जैसे हैं, है ना। हम सब क्या है? हम में भी कमियां हैं। तो हम भी कैसा हुआ? उन टूटे अधूरे घड़े की तरह हम भी हुए। पर हम चाहे तो इन कमज़ोरियों पर काबू पा सकते हैं। काबू पाना मतलब कंट्रोल करना। हमारी कमियों को समझकर हम उन कमियों पर काबू पा सकते हैं, कंट्रोल पा सकते हैं। और कंट्रोल करके यानी हमारी कमियों को जानकर हमें क्या करना चाहिए? हमें एहसास होना चाहिए। एहसास मतलब हमें पता होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि हम में क्या कमज़ोरी हैं। तो पहले हमने पता किया कि हम में कमज़ोरी हैं। तो दूसरा स्टेप है, हमें यह पता लगाना है कि हम में क्या कमज़ोरी हैं, वीकनेस क्या है, हमारा वीक साइड क्या है, व्हाट इज़ द वीक साइड, हमारी वीक साइड क्या है। और फिर क्या करना है? उन कमज़ोरियों के बावजूद हम अपने चारों तरफ खूबसूरती फैला सकते हैं। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, चारों तरफ है। उन कमज़ोरियों के बावजूद हम अपने चारों तरफ खूबसूरती फैला सकते हैं, साथ ही खुशियाँ भी बांट सकते हैं, है ना। जैसे हमें पता चलता है कि हमें कमज़ोरियाँ हैं, तो कमज़ोरी को काबू में पाना है और उसे समझकर उससे ऊपर उठकर हमें हमारी चारों तरफ हम खुशियाँ भी बांट सकते हैं। तो बच्चों, आपको कहानी कैसा लगा? तो सब लोग कहानी का वाचन कीजिएगा। अब हम शब्दार्थ देखते हैं एक बार फिर से। न्यू वर्ड्स है, साइड
तरफ, तरफ यानी साइड, वहाँ पर देखा था सीड कहाँ पर बोए थे, केवल टूटे हुए घड़े के तरफ ही सीड बोए थे, है ना। तो तरफ, तरफ यानी साइड। कमज़ोरी, कमज़ोरी मतलब वीकनेस, शारीरिक निर्बलता। तो कमज़ोरी का अर्थ होता है वीकनेस। सुसज्जित, सुसज्जित हमने पहले देखा, अच्छी तरह सजाया हुआ, फर्निश्ड। तो एक बार फिर से, तरफ, कमज़ोरी, सुसज्जित। अब हमें किसने कहा का अंतिम डायलॉग को देखते हैं। तो देखिए, क्या तुमने ध्यान दिया कि रास्ते में वह सुंदर फूल केवल तुम्हारी तरफ वाले रास्ते पर ही खिले हुए थे। तो ये डायलॉग किसने कहा और किससे कहा, किसने कहा था यह डायलॉग? वेरी गुड, यह डायलॉग भिश्ती ने कहा था। किससे कहा था? कि टूटे हुए घड़े से कहा। तो डायलॉग देखिए, क्या तुमने ध्यान दिया कि रास्ते में वह सुंदर फूल केवल तुम्हारी तरफ वाले रास्ते पर ही खिले हुए थे? तो यह डायलॉग भिश्ती ने टूटे हुए घड़े से कहा था। अब आपको दो प्रश्नों का उत्तर ढूंढ कर लेना है। हमारा पहला प्रश्न है, कहानी में उदास और दुखी कौन रहता था? कौन रहता था कहानी में? दो घड़ा हैं, उनमें एक घड़ा अधूरा है और दूसरा घड़ा साबूत है। तो इन दोनों घड़ों में, और एक भिश्ती भी है ना, तो इन तीनों में उदास और दुखी कौन रहता था? और अगला प्रश्न, भिश्ती को कौन से घड़े से प्यार आया? हमने देखा भिश्ती को एक घड़े से बहुत प्यार आया था ना, बहुत हम्बल हो गया था, बहुत लविंग हो गया था एक घड़े से। वह घड़ा कौन सा था? अधूरा घड़ा था या साबूत घड़ा था? और प्यार आने का कारण क्या है? उसे वह घड़ा बहुत पसंद आया। अगर उसे साबूत घड़ा पसंद आया था तो उसका कारण क्या है? अगर टूटा हुआ घड़े से उन्हें प्यार हुआ है तो उसका कारण क्या है, क्यों उन्हें पसंद आया? तो ये आपका होमवर्क है, आपको इन दोनों प्रश्नों का उत्तर ढूंढ कर निकालना है। और ये हमारा डेली होमवर्क है, पाठ का वाचन करना, शब्दार्थ याद करना और प्रश्नों के उत्तर ढूंढना। प्रश्नों के उत्तर मतलब ये दोनों प्रश्न हैं, इसका उत्तर ढूंढ निकालना, ढूंढना मतलब फाइंड आउट करना, ठीक है। तो बच्चों, आज की कक्षा हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।